ओके दोस्तों, नमस्ते, आदाब, श्री अकाल। मैं उसी संकल्प कांस्टे आसो। अगर आप मई या नवंबर 24 में एग्जाम देने वाले हैं एंड ग्रुप वन अपियर करने वाले हैं, देन डेफिनेटली दिस वीडियो इज फॉर यू। लेट द गेम बिगिन। सो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ आपसे ब्रॉडली अबाउट द रिविजन लेक्चर्स जो मैं AFM के लिए फुल्ली न्यू रिकॉर्ड करने वाला हूँ, बुक्स जो है एंड वॉट इज माई सजेशन रिगार्डिंग टू यू, MCQs जो एक नई चीज है इन रिगार्ड्स द सब्जेक्ट एडिशन, एंड एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो मेरा चल रहा है उससे रिलेटेड एक छोटा सा अपडेट। सो गाइस, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट एडिशंस। मैंने एडिशंस का एक PDF बनाया जो मैंने पहले भी टेलीग्राम पे डाला हुआ है, बट अभी भी मैं वापस से उसको आज रीअपलोड कर दूंगा। उस मेरे SFM टू AFM के एडिशन से आप लोगों को पता चल जाएगा चैप्टर वाइज एडिशंस, एंड इतना माइन्यूट लेवल पे मैंने इसको बनाया है दैट अगर आप SFM टू AFM वाले हैं, सी अगर आप इफ यू आर अ टोटली न्यू AFM स्टूडेंट तो आप लोगों को ये टेंशन ही नहीं है, बट इफ यू आर AFM कन्वर्टेड इनटू अ SFM कन्वर्टेड इनटू अ AFM स्टूडेंट, देन इन दैट केस कौन से चैप्टर में कितना थ्योरी ऐड हुआ है, कौन सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐड हुआ है, ईच एंड एवरी डिटेल इज गिवन इन दिस PDF। प्लीज विदाउट फेल आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो सो दैट यू गेट एवरीथिंग देयर ऑन अ रेगुलर बेसिस। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज है जो अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ और वहां पे भी लिंक आप लोगों चीजों का टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा, सो विदाउट फेल यू नीड टू ज्वाइन इट। सो AFM के जितने भी इधर तुम लोग को क्वेश्चन एंड आंसर्स नए ऐड हुए हैं वो सारा इधर मैंने डिटेल में दे दिया है। कोई कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है ऐसे, फॉर एग्जांपल जैसे बिजनेस वैल्यूएशन है या आपका डेरिवेटिव्स है, कहाँ गया भाई हमारा डेरिवेटिव्स है, तो डेरिवेटिव्स में जैसे रियल ऑप्शंस है ऐड हुआ है, रियल ऑप्शंस में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी ऐड हुए हैं यहाँ पे, जैसे मेरा एग्जॉटिक ऑप्शंस है उसमें थियोरी ऐड हुआ है, सो ऑल ऑफ दिस इज एडेड। पूरा का पूरा एक नया चैप्टर की बात करता हूं तो इट इज एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग जो एक री इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना। सो पहले SFM के पहले जो इसके पहले जो सिलेबस था उसमें एडवांस कैपिटल बजटिंग हुआ करता था, देन उन्होंने रिमूव कर दिया, अब उन्होंने री इंट्रोड्यूस कर दिया, एंड इट्स अ गुड थिंग। एंड ऑब्वियसली वो तो आपको स्टार्ट टू एंड पढ़ना पड़ेगा, बाकी किसी ने SFM किया हुआ है और अब AFM में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको खाली ये चैप्टर टोटली नया पढ़ना है, बाकी जो एडिशंस है वो काफी मैनेजेबल है। एंड आई विल बी मेकिंग वीडियोस ऑन द सेम एंड पुटिंग इट ऑन माय YouTube चैनल, सो रेगुलर बेसिस पे आपको मिलेगा वो, बट आई विल बी पुटिंग इट प्रॉब्ली इन फ्रॉम द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। अभी थोड़ा सा टाइड अप शेड्यूल है स्पेशली विद द एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस going on, so that's the whole scenario, but I will be putting up everything, so you don't have to worry at all. So यहाँ पे जो भी है बाकी सब तो theory editions है, थोड़ा जो practical edition हुआ है वो advanced capital budgeting में वो majorly and वो real options में हुआ है। ये PDF एक बार आप लोग go through कर लोगे properly, you will get to know each and everything, not much has been changed, let's be fair and frank. So कोई इस चीज का आप लोगों को टेंशन होना ही नहीं चाहिए कि editions में क्या है, जो है वो manageable है and That's how it works. Notes, अब जो भी additions है, जो यहाँ पे मैंने आप लोगों को additions बताए, वो सारे के notes जो है, मैं compile करके Telegram channel पे बहुत जल्द share कर दूंगा, so वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। तो say for example, security valuation में roles and responsibilities of valuers, ये एक नया चीज add हुआ है, या securitization में tokenization add हुआ है, so ये जो भी एडवांस रोल ऑफ CFO इन वेरियस मैटर्स इन वैल्यू क्रिएशन फाइनेंशियल पॉलिसी वाले चैप्टर में ऐड हुए, तो इनका एक क्यों ना PDF कंबाइन कर लिया जाए, तो जिसको खाली उतना एक्स्ट्रा थ्योरी पढ़ना है जो पहले का थ्योरी पढ़ चुका है वो खाली इतना रिफर कर सकता है एंड योर वर्क विल बी डन इजिली, ठीक है। तो ये भी हो गया। रिविजन वीडियोज में डालने वाला हूँ YouTube के ऊपर फुल्ली फ्रेश रिकॉर्डेड एंड बेस्ड ऑन मैजिक बुक। तो अगर आपने SCMP में मेरा revisions देखे होंगे तो मैंने थ्योरी के एंड प्रैक्टिकल दोनों के पूरे revisions आप लोग को करवाए हुए, राइट। सेम थीम अपन लोग यहाँ पे AFM के लिए यूज करने वाले हैं एंड ऑब्वियसली फर्स्ट अटेम्प्ट है तो ये AFM का फर्स्ट रिकॉर्डिंग एंड आई फील इट इज गोइंग टू बी अ बिग गेम चेंजर फॉर यू। मैंने SFM के ऑलरेडी रिकॉर्ड किए थे एक घंटे में, जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक घंटे में, डेरिवेटिव्स में, फ्यूचर्स ऑप्शंस, मैं तो बोलूंगा एक बार आप इसको प्लीज गो थ्रू करना, मजा आ जाएगा आप लोगों को। लेक्चर्स गो थ्रू करोगे ना, इवन दो यू हैव नॉट स्टडीड दिस चैप्टर, बट फिर भी ये रिविजन पढ़ो सुनो, इट विल बी अ वेरी वेरी नाइस थिंग फॉर यू। सो एज रिगार्ड्स माय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स योर जर्नी ऑफ AFM इज कंसर्न्ड, एडिशंस जो हुए हैं उनका एक PDF है, ये अभी आपके पास टेलीग्राम पे होने वाला है, जो भी उन एडिशंस के नोट्स है
उनको भी मैं अपडेट करके आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। जितने भी चैप्टर्स है उन सारे चैप्टर्स के, सो देर आर 15 चैप्टर्स, 15 चैप्टर्स में से अप्रोक्सीमेटली 9 चैप्टर्स में थियोरी एंड प्रैक्टिकल दोनों है, 6 चैप्टर्स आर ओनली थियोरी। वो सारों के रिविजन वीडियोज आप लोग को मिल जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, सो विदाउट फेल सब्सक्राइब कर लेना इन केस नहीं किया है तो, एंड दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू। एंड इफ यू हैव फ्रेंड्स हु आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, देन इन दैट केस तुम लोग उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। सो ये तीसरा चीज जो मैं आप लोग के साथ रहने वाला हूँ आपके एग्जाम तक, एंड दैट इज गोइंग टू बी द रिविजन सेशन। सही है, रिविजन सेशन कब से आना स्टार्ट होंगे लो बता देता हूँ, इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, सो मिड फेब, लेट में लेट, उसके पहले ही मैं स्टार्ट कर दूंगा, वैलेंटाइन डे गिफ्ट दे दूंगा, चलो 14 फेब या उसके पहले भी स्टार्ट कर सकता हूँ, राइट। बट प्लीज मैजिक बुक अगर नहीं खरीदा है ना तो मैजिक बुक खरीद लो, इट इज जस्ट ₹299, एंड आई मीन 2-3 दिन पहले तक तो उस दिन थे, अभी तो काफी और बुकिंग्स आ गई है, कल उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ तो वो भी तुम लोग देख लेना, मजा आएगा। सो मैजिक बुक इज अ बाय डिफॉल्ट आपको वो आपके पास रखना ही है इफ यू वॉन्ट टू स्कोर रियली वेल, बिकॉज ये एक सब्जेक्ट है जो आपके लिए गेम चेंजर होगा इन योर एग्रीगेट, ठीक है, ऑडिट है, DT IDT है, इनका भरोसा नहीं है, बट AFM इज वन सब्जेक्ट जिसके ऊपर आप बैंक कर सकते हो, दैट बॉट ये बॉस यस, ये सब्जेक्ट है जिस जो मुझे एग्रीगेट की तरफ टेंशन नहीं रहेगा उसमें, ठीक है, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। नेक्स्ट, AFM इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पेपर 6, तो अगर आप लोग ने पेपर 6 में ना इंस्टीट्यूट ने कुछ केस स्टडीज डाली तो उसमें वो लोग क्या बोलते हैं पता है क्या, कि भाई एक क्लाइंट आया है, क्लाइंट ने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है और उसका एक इक्विटी शेयर्स का पोर्टफोलियो है, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट सजेस्ट द क्लाइंट, अब उसके लिए मेरे पास इक्विटी शेयर्स, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फॉरेक्स, ये सब का कंबाइंड नॉलेज होना जरूरी है, सो दैट इज वेयर इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी स्ट्रॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट्स। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है वेरी वेल एंड गुड, बट अगर नहीं है विल सीरियसली सजेस्ट यू, देन इन दैट केस यू कैन ट्राई माई AFM का एग्जाम ओरिएंटेड बैच, काफी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा ये, ठीक है, सो इट विल कवर एवरीथिंग, अभी तो ऑफर प्राइस पे चल रहा है, सो प्रॉब्ली इफ यू वॉन्ट टू बाय यू कैन बाय इट फ्रॉम आर वेबसाइट वेबिकेट और sankalpanchayat.in, एंड दिस बुक विल गिव यू ऑप्टिमाइज्ड, तो दो मेरी जो मेन बुक है, फिर प्लस आपको मैजिक बुक मिल जाएगी इसके साथ, सो और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं, बट ओनली फॉर पीपल जिनका SFM या AFM वीक है, जिन्होंने AFM किया ही नहीं है, फर्स्ट टाइम करने जा रहे हो, यू नो यू कैन डेफिनेटली रिलाई ऑन दिस सर, कॉन्सेप्ट वाइज एवरीथिंग डन, सम्स वाइज मैं क्लास में सम सॉल्व करवाता हूँ, मेरे ये एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस में सम सॉल्व करवाता हूँ, मतलब कोई भी आप स्टूडेंट को पूछो एक सम भी ऐसा नहीं है जो हम लोग ये करते हैं, डिस्कस कर लेंगे कुछ होमवर्क सम्स अगर मेरे को होमवर्क में देना है तो, एंड कॉन्सेप्ट वाइज हर एक सम तो सॉल्व होता ही है, सो यू नीड नॉट वरी। सो अगर आपका कॉन्सेप्ट वीक है तो, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, आपने SFM पहले किया हुआ है, देन इन दैट केस आप खाली मेरे रिविजन लेक्चर देखोगे, इट विल बी मोर देन सफिशियंट, बट इफ यू वॉन्ट टू स्कोर गुड एंड वेल, एंड आपको लग रहा है भाई कहीं पे मैं बैकफुट पे हूँ, देन आई विल सजेस्ट द बैच। फिर बाद में आ जाते हैं आगे, टेस्ट प्लीज लिखने का राइटिंग प्रैक्टिस रखना। ये बार क्या हुआ पता है क्या, ये वाले एग्जाम में पेपर वॉज मैनेजेबल क्योंकि काफी कुछ था आपके मॉड्यूल और RTP MTP वो वहीं सबसे था, बट जो चीज मैंने नोट किया स्टूडेंट के साथ वॉज देयर राइटिंग प्रैक्टिस इशू, तो ऐसा था कि अरे ये सम तो देखा हुआ है बट जब राइटिंग करने लगे ना वो सम को, तब हमारे से मिस्टेक्स हो रही थी, एंड वो मिस्टेक्स क्यों हो रही थी, क्योंकि हमने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं रखी, तो कहीं ना कहीं आपको ये टेस्ट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा स्पेशली इन दिस सब्जेक्ट, प्लस AFM है, FR है, इसमें थोड़ा MCQs और वो सब आए हैं, तो इट इज बेटर कि वो एक यूज टू आप हो जाओ कि AFM FR में भी आपको जो MCQs अटेम्प्ट करना है उसमें एक फ्लो क्या रहेगा, बिकॉज दैट्स दीज आर द टू सब्जेक्ट दैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर पेपर्स विद, तो टेस्ट लिखना है, राइटिंग प्रैक्टिस करना है, बेसिकली दैट्स माई होल इंटेंशन, बिकॉज सम्स अपन ऑडिट कर लेते हैं, एटलीस्ट जो मैं मास्टर सम्स आप लोगों को आगे देने वाला हूं ना वो तो आप लोगों को प्रॉपरली करना ही करके जाना है, तो वो मास्टर सम्स जो मेरे सुपर 50 होते हैं दैट विल बी शेयर्ड इन सम टाइम, अभी पूरा सब पढ़ने का है, अभी बोलते हैं ना लिमिटेड वो नहीं रखना है। देन MCQ, MCQ का नाम तो भाई ये इंस्टीट्यूट ने तो SFM में AFM में चालू किया है, बस हम तो ऑलरेडी हमारे SFM के टाइम से MCQs करवा रहे हैं थ्रू माई टेलीग्राम चैनल, ठीक है, सो यहाँ पे Day 1 से हम लोग ने 21 सितंबर को चालू कर दिया, तो ऐसे हम लोग के काफी सारे MCQs तो ऑलरेडी रेडी है,
दिस विल ऑल्सो बी शेयर्ड विद यू ऑन माई टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे देखो हम लोग क्वेश्चन देते हैं टेलीग्राम पे इवनिंग 6 PM फ्रॉम 15th of January। यस, हैप्पी मकर संक्रांति। सो मकर संक्रांति के दिन से हम लोग वापस से रीस्टार्ट कर रहे हैं इसको। यस, रीस्टार्ट द MCQs। सो MCQ का जो टेंशन है वो अब आपको होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज इफ यू आर ज्वाइनिंग माई टेलीग्राम चैनल इवनिंग 6 PM एवरी डे ऑलमोस्ट 5 to 6 MCQs होंगे। आपको उधर देना है उसका करेक्ट आंसर, कमेंट में अपन लोग उसका डिस्कशन कर सकते हैं एंड हंसते हंसते कर जाएंगे रस्ते एज रिगार्ड्स एमसीक्यू इज कंसर्न। बाकी एमसीक्यूज का ये जो पीडीएफ है वो भी मैं बना रहा हूँ, वो मैं शेयर करते रहूंगा और भी जैसे जैसे अपडेट आते जाएंगे, तो टेंशन नहीं। देखो अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो उसमें से ही सब ऊपर नीचे आप लोगों को खेलना है। कुछ थ्योरी है, थ्योरी चैप्टर्स जो आपको फोकस के साथ पढ़ना पड़ेगा, उसका भी मैं रिवीजन दूंगा, या आप लोग ने क्लास किया होगा या अभी करेंगे मेरा क्लास, तो उससे आप लोगों को क्लैरिटी आ जाएगा। यू नीड नॉट वरी फॉर दैट एट ऑल। बट यहाँ पे कुछ कुछ जो 6 थ्योरी चैप्टर्स है टिपिकल वाले, वो बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकते हैं, बिकॉज उसमें से कुछ ट्विस्ट एंड टर्न करके या एकदम इनडेप्थ अपने को पता होना चाहिए। सो अगेन, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस है MCQ, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई अलग से बहुत इसके लिए नहीं करना है। हाँ, प्रैक्टिस रखना है जिसके लिए टेलीग्राम है, जिसके लिए ये मेरा PDF है, और क्या चाहिए बोलो। सो अब मेरे को बताओ आपको और कहाँ पे सपोर्ट चाहिए। एडिशंस दे रहा हूं मैं आप लोगों को, नोट्स दे रहा हूं, रिवीजन दे रहा हूं, मैजिक बुक दे रहा हूं, यार मैजिक बुक का रिवीजन दे रहा हूं अल्टीमेट वाला, टेस्ट रखेंगे अपन लोग, राइटिंग प्रैक्टिस करवाऊंगा, MCQs दे रहा हूं PDF पे, बोलो बोलो बोलो। अब मार्क्स चाहिए अपने को, तो हम तुम्हें ये दे रहे हैं, तुम मुझे मार्क्स दो। बाकी और कुछ आपको लगता है यू कैन डेफिनेटली शेयर इट इन द कमेंट, एंड यस, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, सो दैट इट रीचेज मोर स्टूडेंट्स हूएवर मे नीड दिस। कैपिटल बजटिंग का मैजिक बुक PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे बहुत जल्द शेयर कर दूंगा, प्रॉब्ली टूडे और बाय टुमारो। एक ही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के नतमस्तक करके, डू नॉट लीव एनी चैप्टर इन ऑप्शन, बिकॉज मुझे नहीं पता ये शायद कोई चैप्टर आपने जो ऑप्शन में छोड़ा वो AFM में तो निकल जाए, बट IBS में आ गया तो इंटीग्रेटेड बिजनेस केस स्टडी वाले पेपर में। तो इसके लिए इट इज बेटर कि अपन रिस्क ना ले। 15 चैप्टर है, इजिली मैनेजेबल है, कोई टेंशन का बात नहीं है। यू हैव टू एंश्योर दैट यू आर गोइंग टू डू ऑल द चैप्टर, वो एक प्रॉमिस चाहिए दैट यस सर आई विल डू ऑल द चैप्टर्स इन AFM एज अ कॉमन। अगर आपको उसमें भी तकलीफ है तो फेस वाइज लेक्चर्स ले सकते हो, दिस इज समथिंग स्पेशल दैट आई हैव इंट्रोड्यूस्ड इन माय AFM करिकुलम। सो देखो क्या होता है, कई बार आपने किसी प्रोफेसर के लेक्चर्स ले लिए होते हैं बट आपको लगता है कि यार मेरा ना सर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट तभी अटेंड नहीं हो पाया या नहीं समझ आया या तभी कुछ XYZ इश्यूज थे। सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव सेग्रीगेटेड द होल सब्जेक्ट इनटू 4 फेजेस। मैं अपने हर एक स्टूडेंट को बोलता हूँ इस फेज के हिसाब से उसको पढ़ाई करनी है एंड इस फेज के हिसाब से ही मैं पढ़ाता भी हूँ मेरे लेक्चर्स में। सो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी विल कंसिस्ट ऑफ 25% ऑफ योर पोर्शन। नेक्स्ट फेज 2 फॉरेक्स डेरिवेटिव्स 25%। फेज 3 मर्जर्स एक्विजिशन बिजनेस वैल्यूएशन एडवांस कैपिटल बजटिंग एंड लास्ट फेज 4 है थ्योरी। सो 25% 25% 25% 25% करके ये डिवाइडेड है। इसके बेसिस पे भी हम लोग ने लेक्चर्स अवेलेबल करवाए हैं। सो नीचे आपको नंबर्स दिख रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन जस्ट गो देयर एंड अवेल योर स्पेसिफिक चैप्टर इफ यू वॉन्ट और स्पेसिफिक फेज इफ यू आर लुकिंग फॉर, बट डू नॉट लीव एनीथिंग इन ऑप्शन, ये आपने मुझे प्रॉमिस कर दिया है। तो ऐसा सिनारियो है। बाकी ये जो भी थियोरी ऐड हुआ है, जो भी चीजें ऐड हुई है, उसके ऊपर ऑब्वियसली मैं अपडेट्स देते रहूंगा आप लोगों को बहुत जल्द ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टे सब्सक्राइब। प्लस कुछ नया चीज मैंने स्टार्ट किया है, वो है शॉर्ट्स। दिसंबर में स्टार्ट कर दिया था। सो 1-1 मिनट शॉर्ट्स हम लोग इंस्टाग्राम पे डालते हैं। प्लस और भी कुछ चीजें है पिटारे में, धीरे धीरे खोलते जाएंगे। चलो अभी तो लंबा सफर है, टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता गाइस, बट इस सब्जेक्ट को स्कोरिंग रखने अपने हाथ में है। लेट्स फोकस प्रैक्टिस सो वेल कि बाकी सब्जेक्ट्स का जो मेरा एग्रीगेट का टेंशन है ना, वो ये एक अकेला AFM आपको पार करवा देगा। ऑलराइट गाइस, टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता। एनीथिंग एल्स लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टेक केयर एंड प्लीज लिख के रखना, आई विल एंश्योर दैट आई कवर ऑल चैप्टर्स इन दिस सिलेबस। May 24 is your last attempt, is your best attempt. Take care, keep smiling. Thank you so much.